तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं जेबीकेएसएस के कदावर नेता रविशंकर यादव से आज आप लोग को रूबरू करवाते हैं और इनसे कुछ सवाले रहेंगी और ये सवालों के ये जवाब देने का काम करेंगे। तो चलिए भैया, हमसे सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल है कि 1932 के खतियान जो है ये झारखंड का जेबीकेएसएस का जो पार्टी बनी है इसका सबसे अहम मुद्दा रहा है। तो अगर जेबीकेएसएस की पार्टी यहाँ पे यह जीत के आती है झारखंड की सरकार में, तो क्या ये जो सपना है, ये जो 1932 की खतियान है लागू हो पाएगी? सबसे पहले आपके चैनल को आपको जोहार। देखिए, 1932 क्यों नहीं लागू होगी? बिहार से जब झारखंड 2014 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ, तो जब बिहार में वहां स्थायी नीति और नियोजन नीति 1932 के आधारित लागू है, तो बिहार का ये छोटा भाई झारखंड वहां से अलग हुआ है, तो झारखंड में भी बिल्कुल लागू होगा। और हम लोग का ये प्रपोजल है, कहें तो हम लोग का मैनिफेस्टो है जेबीकेएसएस में, कि जब हम लोगों की सरकार 2024 में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग खतियान आधारित झारखंड में स्थायी नीति और नियोजन नीति लागू करेंगे। चलिए ये बताइए कि जो अभी 1932 का खतियान है, 1932 के खतियान पे लोग इतना क्रेज है कि आप कहीं पे देखते होंगे या तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई अपना बाल में क्या लिखा ले रहा है कि 1932 लिखा ले रहा है, कोई अपना अगर चेस्ट में बाजू में टैटू के माध्यम से 1932 का खतियान लिखा ले रहा है, तो ऐसा मतलब अचानक 1932 का खतियान इतना ट्रेंड में क्यों आ गया झारखंड में? देखिए, ट्रेंड में आने का कारण है कि जब सन 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड अलग होने के बाद यहाँ पे झारखंडियों को लगा, यहाँ के युवाओं को लगा, यहाँ के नौजवानों को लगा, यहाँ के छात्रों को लगा कि राज्य जब हमारा अलग हो रहा है तो यहाँ पे रोजगार के जो अवसर होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी होगा या यहाँ जो प्लांट औद्योगिक क्षेत्र है वो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार यहाँ के झारखंडियों को मिलेगा। चाहे झारखंड, आप जानते हैं कि पूरे देश का खनिज संपदा में 40% खनिज संपदा केवल झारखंड में है, तो खनिज संपदा में भी यहाँ के युवाओं को लगा कि हमको भी उसमें अधिकार मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। छात्र केवल फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, कभी पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीकआउट हो गया, कभी पता चलता है कि सीट जो है सो दरोगा का या टीचर का 20 लाख 30 लाख में बिक गया। तो यहाँ के जो छात्र हैं, जो जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय उनका उम्र 23 साल था, 24 साल था, वो आदमी का 45 साल 44 साल 46 साल उम्र हो गया। वो आदमी पिछले 23 साल में ठकाते महसूस हुआ, उनका पूरा फ्यूचर निकल गया, वो आज बेरोजगार है। तो वो आदमी आज प्रण ले लिया है, जयराम महतो ने जो आवाज दिया है खतियान के नाम पर, तो वो आदमी ने प्रण ले लिया है, सोचा है कि हमारा भविष्य तो बर्बाद हो गया, लेकिन आने वाला मेरा जो वंश होगा, आने वाला मेरा जो नस्ल होगा, यदि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थायी नीति बनता है, तो जो रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, बाहर में पलायन कर रहे हैं, वो अपने उसके राज्य में ही रोजगार मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं, दरोगा की बहाली होता है, वीडियो की बहाली होता है, टीचर की बहाली होता है, कर्मचारी की बहाली होता है, तो लगभग 80-90% सीट आपका हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदुस्तान के अन्य राज्य में चला जाता है। तो उस चीज को लिए रोकने की व्यवस्था है 1932 हो या 1911 हो या हमारे कुछ राज्य में 1966-65 में भी सर्विस सेटलमेंट हुआ है, मतलब जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। यदि खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति झारखंड में लागू होता है, तो हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि यदि सब्जी आप लगाए हैं तो जानवर से बचाने के लिए घोरान भरते हैं, तो हम एक घोरान भर पाएंगे ताकि हमारा थर्ड क्लास का नौकरी, फोर्थ क्लास का नौकरी अन्य राज्यों के लोग यहाँ से ना लेके चल जाए, हमारे झारखंड के माटी का जो लाभ होगा, यहाँ का जो रैयत खतियानी रैयत होगा, उसके बेटे के हाथ में नौकरी जाएगा, इसलिए 1932 जरूरी है। चलिए, हमें पता चला है कि जो आपकी पार्टी है जेबीकेएसएस के झारखंड में पार्टी है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा फोकस कर रही है, चाहे लोकसभा की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, युवा में क्या देखते हैं, मतलब जो युवा को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जेबीकेएसएस की पार्टी? देखिए, युवा जब जब जागा है तब तक सरकार के सिंहासन डोला है। एक चीज आप जान लीजिए कि आज के डेट में युवा पढ़ा लिखा, युवा खेल के क्षेत्र में देखिए, राजनीति के क्षेत्र में देखिए, साइंटिस्ट के क्षेत्र में देखिए, या किसी भी क्षेत्र में देखिए, वो अपना परचम लगाया है। और जब तक पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा युवा वर्ग राजनीति में नहीं आएगा, तब तक राजनीति में
मैट्रिक फेल नॉन मैट्रिक इंटर पास लोग आपके विधानसभा का सदस्य बनेंगे, लोकसभा का सदस्य बनेंगे और आपके लिए नीति नियम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो पढ़ने नहीं आता है, उनको हैंडल करता है उनका सेक्रेटरी, चाहे आईएएस का हो, आईएएस लेवल का हो, चाहे जेपीएससी लेवल का हो। तो जब तक पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में एंट्री नहीं करेगा तब तक आपके राज्य हमारा झारखंड का भला नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा तो नियम कानून को समझेगा, संविधान को पढ़ेगा, झारखंड का इतिहास पढ़ेगा, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा और यहाँ के गांव जो हमारा किसान प्रधान गांव है उसके लिए देखेगा, समझेगा, बुझेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, तभी तो बेहतर काम हो सकता है जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में खास करके इस बार 2024 के इलेक्शन झारखंड में हम लोग जेल केसेस में युवा वर्ग लोगों की भरमार है और युवा लोग चाहते हैं, बदलाव के मूड में है, क्योंकि पिछले 23 साल से ठगते हुए ठकाते हुए महसूस उनको हो रहा है, हमेशा वो अवर इस पर नहीं चुकेंगे, क्योंकि युवा हम लोग भी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा युवा वर्ग जेल के शेष में आए और राजनीति में उन्हें आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। एक चीज और बताइए कि जो झारखंड की अगर रोजगार के बारे में बात करें तो अभी अगर बेरोजगारी देखे तो बेरोजगारी 60-65 हजार से बढ़ के इसका अचानक इतना बढ़ गया कि अभी 6-7 लाख बेरोजगारी हुआ है। और जो जेबी केसेस की पार्टी अगर सरकार में आती है तो बेरोजगार की खत्म करने की क्या उपाय सोची है इतना भारी संख्या में, वो आप इसके बारे में थोड़ा एक देखिए। झारखंड भगवान का दिया हुआ झारखंड में सब चीज है, हम झारखंडी खनिज संपदा से इतना भरपूर है कि यहाँ पर झारखंड का स्थानीय नीति नहीं परिभाषित होने के कारण यहाँ पर दूसरे राज्य के लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। और यहाँ पर जब झारखंड अलग हुआ था तो यहाँ के युवा को लगा कि सरकारी रोजगार के साथ साथ हमको खनिज संपदा में भी हक मिलेगा, आपके गाँव में बालू का नदी है, लेकिन टेंडर किसको मिल रहा है, राजस्थान का लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं, और हमारा युवा कहाँ जा रहा है, आंध्र प्रदेश जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, ठोकरे खा रहा है 10,000-5,000 के लिए। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, उस कारण से रोजगार जो आप कह रहे हैं कि 6-7 लाख, हम तो कह रहे हैं कि 2019 के में जब जेएमएम महागठबंधन की सरकार बनी ये रोजगार तो और खत्म हो गया। भाजपा यहाँ पे लगभग 23 सालों में 17-18 साल भाजपा राज किया, तो जब भाजपा राज किया लोगों को, युवाओं को यहाँ पे ठका, छात्रों को ठका, रोजगार नहीं दिया, तो यहाँ की जनता बोला भाई इस बार कमल फूल हो गई बड़ी भारी भूल, तो उसको मिटाने के लिए उन्होंने बोला 2019 में यहाँ की छात्र नौजवान की हिम्मत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत सरकार का 4 साल बीत गया तो वही छात्र नौजवान, वही झारखंडी जो बेरोजगार उनके दर बदर भटक रहे हैं, अब कहते हैं हेमंत है तो दिक्कत है। इसलिए कहते हैं कि जयराम महतो ने 2021 से लगातार झारखंडियों के जो सवाल है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को जो सवाल उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इंसाफ कर रहे हैं और युवाओं में चेतना जगा दी, युवाओं में एक आशा जगा दी है, और झारखंड के युवा, नौजवान, महिलाएं, किसान जयराम महतो के नेतृत्व को एक आशा भरी किरण से देख रहे हैं लोग, और लोग चाहते हैं कि इस बार झारखंड में बदलाव हो। और निश्चित रूप से जयराम महतो ऐसा शख्सियत है, इंग्लिश ऑनर्स से पीएचडी, हमको लगता है कि उनका फाइनल है, पीएचडी किए हुए, काफी पढ़ा लिखा एनर्जेटिक नौजवान है, और उनके साथ टीम में हम लोग भी हैं और भी कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि 23 साल में यहाँ की युवाओं को लोग ठगने का काम किया है, हम लोग नया विकल्प दे रहे हैं युवा के बीच में, झारखंडियों के बीच में, महिलाएं के बीच में, किसानों के बीच में, छात्रों के बीच में, कि आप आइए जेबी केसेस को ज्वाइन करिए, जेबी केसेस को मजबूत करिए, और झारखंड के अगर 2024 के इलेक्शन में जहां जहां जेबी केसेस लोकसभा का चुनाव लड़वाती है उसको उम्मीदवार को आप जिताइए, ताकि आपकी झारखंड की जो जन समस्या है वो लोकसभा में भी जाकर के यहाँ के सांसद गरजे, ताकि हिंदुस्तान के संसद में भी टाइगर की दहाड़ गूंजे वहां पर, और झारखंड की जो समस्या है वो दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान की मीडिया जाने, जो भाजपा और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये लोगों ने झारखंड की समस्याओं को जो दबा के रखा है और केवल नाजायज भ्रष्टाचार करके पैसा अकूत बनाने का काम किया है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव झारखंड में भी है, झारखंड की जनता चाह रही है जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए, तो हम झारखंड की जनता को भी कहते हैं, और बहुत फोन कॉल सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि जयराम महतो के एक भाषण यदि सोशल मीडिया में डाला जाता है तो लाखों लाख 24 घंटा के अंदर उन व्यूअर्स हो जाते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। तो एक आसू विधानसभा में जेबी केसेस चुनाव लड़वाएगी,
हम अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हर एक झारखंडी से, चाहे किसी दल से हो, यदि उसके हाथ में खतियान है और वो झारखंडी अपने आप को गर्व महसूस करता है, इस बार जेबी केसेस के काशी विधानसभा क्षेत्र में जेबी केसेस में वोट देगा और जयराम महतो के हाथों में सत्ता का दल तो हम लोग सौंपेंगे और झारखंड में बदलाव होगा और झारखंड नव निर्माण होगा और यहाँ के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा और यहाँ के किसानों, नौजवानों, यहाँ के जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, इसलिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से मिलवाए आज रविशंकर यादव से, जिन्होंने जेबी केसेस के कदावर नेता हैं और ये बरगट्टा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे जल्दी आप लोग से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ख्याल रखिए आप सभी।